भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका में ओडीआई सीरीज खेलनी है और ओडीआई के कप्तान है रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा पर बड़ी अपडेट आ रही है और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये अपडेट क्या है। जी हाँ, रोहित शर्मा जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो दक्षिण अफ्रीका नहीं गए हैं, टेस्ट सीरीज से बाहर हैं। वहीं फोरआर्म की इंजरी की वजह से रविंद्र जडेजा भी नहीं खेलने के लिए गए हैं इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को अब देखा गया है एनसीए में। जी हाँ, नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए में ये दोनों खिलाड़ी फिटनेस हासिल करने के लिए पहुंच चुके हैं और वहां जाकर के अपने फिटनेस पर वर्क कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द जो है टीम इंडिया के साथ जुड़ पाए। आपको बता दें कि रोहित शर्मा अगर यहां पर फिटनेस हासिल कर लेते हैं और उनके बारे में अपडेट आ जाती है तो हो सकता है कि ओडीआई सीरीज में कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा दिख जाएं और बहुत जल्द रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया के साथ जुड़ते हुए दिख जाएंगे। तो फिलहाल ये दोनों ही खिलाड़ी इस समय एनसीए में फिटनेस हासिल करने पर जोर दे रहे हैं।